हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया क्या होता है? ऑप्टिकली नॉर्मल आई। इसका डिफिनेशन क्या है? पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस एट द सेंसिटिव लेयर ऑफ रेटिना विद द एकोमोडेशन बींग एट रेस्ट। ठीक है, देखिए इसका फिगर में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से। और फोकस कहाँ पे कर रहा है? एट दिस सेंसिटिव लेयर ऑफ द रेटिना विद द एकोमोडेशन एट रेस्ट। ये बहुत जरूरी है, कहना विद द एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट। हमेशा एकोमोडेशन क्या में होना चाहिए? रेस्ट में ही होना चाहिए। उसको बोलते हैं इमेट्रोपिया, ठीक है, जो कि नॉर्मल आई होता है। चलिए अब देखते हैं एमेट्रोपिया क्या होता है। देखिए, अ कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, यहाँ से शुरू हो जाता है रिफ्रैक्टिव एरर। इसका डेफिनेशन क्या है? पैरेलल रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस आइदर इन फ्रंट और बिहाइंड द सेंसिटिव लेयर ऑफ रेटिना इन वन और बोथ द मेडियंस विद द एकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट। देखिए क्या है, इंक्लूडिंग इसमें एमेट्रोपिया में तीन तीन तरह के एरर आता है, ठीक है। पहला क्या है? मायोपिया। दूसरा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। तीसरे क्या है? एस्टिगमेटिस। अब मायोपिया क्या होता है? देखिए मायोपिया में क्या होता है, पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है इन्फिनिटी से और फोकस कहाँ पे कर देता है? रेटिना से पहले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जिसमें भी पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ पर आता है? इन्फिनिटी से आता है और फोकस कहाँ पर करता है? बिहाइंड द रेटिना विद द एकोमोडेशन। हमेशा याद रखना, एकोमोडेशन हमेशा रेस्ट में ही होना चाहिए। आगे फोकस करें रेटिना से तो मायोपिया होता है, और पीछे फोकस करें रेटिना से क्या बोलते हैं उसको? हाइपरमेट्रोपिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।